रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल योर सर्च एंड्स हियर। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कॉल सौरभ सबरवाल 647-864-8844 दैट 647-864-8844 और विजिट teamsabarwal.com। योर सर्च एंड्स हियर। आवर एफएम 91.9 आप सुन रहे हो विद रणवीर एंड शालिनी। स्टूडियोज का नंबर 416-919-0008। जैसे आपने सुना आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और हमारे अपने पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं, उनसे करेंगे बातचीत। पीके जी वेलकम सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी थैंक यू सर। पीके साहब सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि ओवरऑल जैसा कि माहौल चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है और क्या अपडेट है लेटेस्ट आपका नजरिया एक झलक? देखो एक तो ये सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जिस हिसाब से हो रही है, इकोनॉमी जिस तरह से थोड़ी नीचे की तरफ हुई, सेलिंग से भी पड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन वगैरह हो रही है, मॉर्गेज रेट सेकेंड हाफ में कम होने की जो उम्मीद आ रही है, तो ये नजरिया सामने आ रहा है कि जीजे होम सेल्स क्लाइम करेगी 2024 में, ये बढ़ेगी। हाईली एवरेज जो प्राइस है घरों का ये भी समर्सर ने जो रिपोर्ट में अपना अंदाजा दिया कि 1.2 मिलियन इस साल टच करेगा, सेकंड हाईएस्ट ये मार्क होगा, पर फिर भी 2022 की पीक से नीचे ही रहेगा ये इन्होंने कहा है। और ट्रेब के सीईओ हैं जॉन, उन्होंने भी इस बात के ऊपर ये किया कि राइट इंसेंटिव बिल्डरों को चाहिए इस वक्त ताकि जो है सप्लाई जो है वो कुछ हद तक हम उसको काबू में कर सकें क्योंकि सप्लाई की बड़ी जबरदस्त शॉर्टेज चल रही है। और साथ में ये भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग खबर है कि ये माना जा रहा है कि बैंक ऑफ कनाडा फेडरल यूएस से पहले इंटरेस्ट रेट कम करेगा। ये बहुत रेयर होता है कि हम लोग ज्यादातर उनको फॉलो करते हैं पर इस बार ये नजर आ रहा है कि ये उनसे पहले करेगा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको देखते हुए, ये डेब्ट टू इनकम रेशियो जो है हमारी उसको देखते हुए जी सेवन करने का जो कंसर्न है बहुत बड़ी हमारी, तो लगता है इंटरेस्ट रेट पहले घटना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा रणबीर जी लास्ट टाइम मैं कह रहा था कि 50% चांस है 5 जून को इंटरेस्ट रेट कम होने के 50%, और बाकी के 50% मैं जुलाई में कह रहा था। अब ये इकोनॉमिस्ट का कहना है कि नहीं, वो 50% से बढ़ के 70% चांस हो गए 5 जून में इंटरेस्ट रेट कम होने के, 70% चांस हो गए इंटरेस्ट रेट कम होने के 5 जून को, विच इज अगेन ए गुड न्यूज। जी। और स्टूडियो का नंबर 416-919-0008, आप कोई भी सवाल है और पीके साहब हर बुधवार 1:30 बजे हमारे साथ होते हैं, गिव अस ए कॉल इन द स्टूडियो 416-919-0008। और जैसा कि ओवरऑल बताया पीके साहब, एक और खबर आ रही थी की गवर्नमेंट अमेरिका की, ना वेट करो और आप इसको पहले जल्दी कम करो नहीं तो ये डेलिक्वेंसीज इतनी जबरदस्त आ जाएंगी। आपको मैं फिगर देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, मैं अलग अलग बैंक की फिगर देता हूँ। रॉयल बैंक ने लॉस क्रेडिट लॉस के प्रोविजन जो फर्स्ट क्वार्टर अभी हमारा है जी, पिछले क्वार्टर से 53% बढ़ा दिया। अच्छा 813 मिलियन उन्होंने अलग करके रख दिया कि ये डूबेंगे, पहले अलग करके रख दिया, डूब सकते हैं। है, अब देखिए स्कॉशिया बैंक की बात सुनिए, स्कॉशिया बैंक ने 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में 638 मिलियन रखे थे और जो बढ़ा के 962 मिलियन कर दिए। कोई भी जैसे बीमो है, अब बीमो 200 कुछ मिलियन था पहले क्वार्टर में 2023 के, इस बार उन्होंने रख दिए 600 समथिंग मिलियन। टीडी बैंक ने तो 1 बिलियन रख दिया कि ये प्रोविजन रख दिया कि लॉस क्रेडिट लॉस होगा। और इतनी ये प्रॉब्लम्स को सामने मद्देनजर रखते हुए ये भी बहुत बड़ा कारण है, लगभग 4 बिलियन एक तरफ रख देना प्रोविजन की भी कल को क्रेडिट डूबेगा, तो आप सलाह लगा लीजिए इंटरेस्ट रेट कम करना कितना जरूरी हो चुका है इस वक्त। जी बहुत जरूरी हो चुका है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल देखा ना, जख्म में आपने नमक डाल दिया, उंगली रख दी आपने उसी वक्त कि यस बिल्कुल यही था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है इस वक्त इंटरेस्ट रेट को जल्दी जल्दी कम करने का। बल्कि मैं एक बात और हूँ, हम जब अप्रैल का कह रहे थे कि बिल्कुल भी चांस नहीं है कम होने के, अब इकोनॉमिस्ट बता कह रहे हैं अप्रैल में भी चांस नजर आ रहा है 20% शायद कम ना हो जाए। अच्छा हो जाएगा, अच्छा ओके 20% है लेकिन बहुत कम है चांस 20%, लेकिन देखो 0 से 20% आ जाना बहुत अच्छी बात है, और हम 0 चांस से 20% चांस हो जाना अप्रैल में इंटरेस्ट रेट कम होने का, और जून में 50% चांस से बढ़ के हो जाना 70% चांस होने का, इट्स ए गुड न्यूज। और आई थिंक एक कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं और मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो 416-919-0008। पीके साहब का नंबर है प्रोग्राम के बाद 647-299-4757। लाइन वन प्लीज। हेलो हाँ जी रणबीर जी। हाँ जी सर नमस्कार।
हाँ जी आप एयर पे हैं। नमस्कार पीके जी। हाँ जी रणबीर जी, आपने इनका नंबर बोल दिया तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, सब लोग रखते हैं। जी जी। लेकिन पीके जी आपसे, जैसे आप पीके जी ने बताया आपने दुखती रब्स पे हाथ रख दिया, तो मेरा नाम प्रदीप है। पीके जी मैं जानना चाहता हूँ। प्रदीप जी गुड आफ्टरनून। जो हालात है अभी, तो मेरे पास दो तीन रेस्टोरेंट है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बैंकरप्सी फाइल करनी चाहिए या आपको पता ही है कि कैसा चल रहा है अभी मार्केट? सर आपके पास दो तीन रेस्टोरेंट है तो फिर बैंकरप्सी को फाइल करनी चाहिए। एक रेस्टोरेंट कम कर दो, बाकियों को संभाल लो। तीनों को तीन रेस्टोरेंट के होते हुए आप बैंकरप्सी का तो मतलब ही नहीं उठता सर। इतनी जल्दी डिसीजन लेना ही जरूरी है। आप मेरे को अगर मिल सकते हैं मिल लीजिए, थोड़ा प्लान कर लेते हैं, हो सकता है फंड्स कुछ आ जाए। आपकी टीम हेल्प कर सकती है इस चीज में? क्यों नहीं कर सकती सर, हमारे पास कमर्शियल डिपार्टमेंट है पूरा। आप एक बार मिलिए, पूरा हमारे पास मॉर्गेज का पूरा डिपार्टमेंट है हमारे पास, पूरा लॉयर्स का पूरा इनहाउस लॉयर है हमारे पास। आप आगे मिलिए, बैंकरप्सी का इतनी जल्दी मत भागिए। पहले देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, आपके फाइनेंशियल को देख के अंदाजा लगेगा ना। तीन रेस्टोरेंट अगर है, एक बेच के भी तो काम चल सकता है, उसके पैसों से बाकियों को बचा सको आप। लेकिन आप मिल जुल लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर फास्ट एक्शन लीजिए थोड़ा सा। मुझे एक बार बता दूं कि टेक्स्ट मैसेज डालिएगा सर, फोन मत करिएगा, वो फॉरवर्ड हो जाता है। टेक्स्ट मैसेज इजिएस्ट एंड फास्टेस्ट वे है रिप्लाई देने का। तो जब आप टेक्स्ट मैसेज डालेंगे तो अपना नाम जरूर डाल दीजिएगा। पक्का पक्का। थैंक यू सर। जी जी ठीक है सर जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी। और विल गो टू द नेक्स्ट कॉल प्लीज। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो। हाँ जी सर, आप हेलो सर बोल रहे हैं जी? लाइन पे हो जी? हाँ जी हाँ जी जी जी। ये सबरवाल साहब से ये पूछ रहा है कि मतलब कि एक जब रेजिडेंशियल घर है उसपे जब हमने मॉर्गेज ली थी तो उसमें वो जैसे होता है कि बातों में आगे मॉर्गेज ज्यादा ले ली ना, वो कैश जो है वो जा रहा है, उस पर अब इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, वो अगर मैं वापस करना चाहूँ तो क्या तरीके का है उसको वापस करने का? नहीं नहीं नहीं, रुकिए पहले बताइए बैंक कौन सा है? ये जी उसका है आरबीसी। आरबीसी, आप आरबीसी से बात करिए। आपके इस मॉर्गेज के अंदर लिखा होगा कि वो हर साल कितने परसेंट वापस कर सकते हो आप। 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। बिना पेनल्टी के आप वापस कर सकते हो। उनसे बात करो और वापस करो। सर आप इतना लेट सारा नहीं कर सकते, पेनल्टी आपका वेरिएबल है क्या है? वेरिएबल है जी। वेरिएबल वैसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सारा भी कर दो, उसमें तीन महीने का इंटरेस्ट लगता है सिर्फ, पेनल्टी ज्यादा पेनल्टी नहीं है। वेरिएबल में आपको ये बात सोचनी चाहिए। लेकिन मतलब बैलेंस तो कुछ होगा ना, जो भी होगा मेरे पास, सपोज अगर 50-60-70 हजार है तो मैं दे दूँ उसको। ये बिल्कुल अच्छी बात है ना, कर्जा कहते हैं ना, कर्जा वाला ना बाप का, और इस इंटरेस्ट में तो बाप के बाप का भी कर्जा वाला नहीं। इतनी बड़ी टेंशन बनी हुई है इस वक्त, वापिस करिए। बल्कि आप लेट हो गए मेरे हिसाब से भाई साहब, क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट नीचे आने का टाइम आ गया और आप इतने देर तक क्यों रुके हुए थे? वापिस करिए। अभी तक आपसे आरबीसी ऐसा उन बैंकों से जिसने की आपका किस्त को बढ़ाया नहीं होगा, आपका प्रिंसिपल कम करके इंटरेस्ट बढ़ा दिया होगा और आप ट्रिगर पॉइंट में आ चुके होंगे इस वक्त। आपकी इंस्टॉलमेंट तो नहीं बढ़ी थी ना? बस अभी जो मैं मॉर्गेज दे रहा हूँ वो सिर्फ इंटरेस्ट ही कवर हो रहा है उससे। हाँ यू आर। तो आपका एक आपको बड़ा आराम हो गया था कि आपकी किस्त नहीं बढ़ी थी, तो ये बड़ा आरबीसी ने अच्छा किया था। और एक बैंक और है, उन्होंने भी ये किया था कि बजाय किस्त बढ़ाने के उन्होंने आपका इंटरेस्ट कवर करना शुरू कर दिया और आपका प्रिंसिपल को कम करते गए और इंटरेस्ट में जोड़ते गए, जो आपके लिए बड़ा अच्छा हुआ, बोझ नहीं पड़ा। लेकिन आपका कर्जा उतरना रुक गया। अब इस वक्त आके आप ट्रिगर पॉइंट में आ चुके होंगे तो शायद आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाए, तब तक मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। देखो कर्जा कम करो तो सबसे अच्छी बात है भाई साहब। अच्छा अच्छा, लास्ट पर्सन ये है कि सपोज अगर मैं देता हूँ जो भी मेरे पास अमाउंट बनती है 60-70 हजार जो है वो मैं उनको वापस करता हूँ, तो प्रिंसिपल से कम होगा या क्या होगा? जो प्रीवियस प्रिंसिपल कम होगा आपके आपके लोन में से कम होगा ना जी वो? चलो ठीक 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 है, लोन में से कम होगा ना जी। जाके बात करिए, वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए सारे बैंक, क्योंकि उनको अपना डर है ना, उनको अपना डर है कि हम हारा रहे हैं डूबे, तो वो आपकी हेल्प करने के लिए सारे तैयार बैठे हुए हैं। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। और स्टूडियो नंबर 416-919-0008। और पीके साहब एक मैसेज आया समीर भाई का, और उन्होंने पहले कहा कि पीके साहब थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टिप्स, आई एम लिसनिंग टू यू सिंस लास्ट 9 ईयर्स, और थैंक यू सो मच। और वो कहते हैं कि एक्चुअली आई एम आल्सो एन इन्वेस्टर, लेकिन अभी जो कॉन्फिडेंस बड़ा लूज हो चुका है कि वक्त का कुछ नहीं पता, क्या वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस कभी आ पाएगा? क्या क्या सजेस्ट करेंगे? वेरी नाइस समीर साहब, बताया आपने राइट जी समीर। हाँ जी जी समीर साहब, पहले तो थैंक यू रणवीर जी का करिए जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और रणवीर जी के साथ मेरे को लगता है मैं 15 साल से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ शायद, और जब शुरू किया था तो हमें लगता था क्वेश्चन एक टाइम आएगा खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हर साल हर हफ्ते बढ़ते जा रहे हैं। ये सारा क्रेडिट 2005 और 2006 में शुरू किया था, 18 साल हो गए, 18 ईयर 18 साल हो गए देख लीजिए, और ये सारा क्रेडिट
चाहता है हमारे चौहान साहब को और जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया थैंक्स टू रणबीर जी। और समीर साहब बात यह है कि आपने कहा आप इन्वेस्टर है कॉन्फिडेंस लो है, सर मैं आपको बताऊं जब कॉन्फिडेंस लो होता है मार्केट स्लो होती है वही तो इन्वेस्टर का टाइम है जंप इन करने का, यही तो टाइम है आपका जंप इन करने का। जब बिल्डरों में ये लाइनें लगी हुई हैं, कॉन्फिडेंस हाई है और बिल्डर अपनी मनमर्जी कर रहा है वो टाइम थोड़ा ना खरीदने का, टाइम तो वो खरीदने का है जब आप के आगे बिल्डर लाइन लगा के खड़ा है। सर रणबीर जी वो जो आपके यहाँ हमारी एड आ रही थी बस की 23rd of March की, बस ओवर बुक थी, बस के अंदर सीटें 50 थी, लग्जरी बस थी, बगैरा अंदर बार वगैरह और सब कुछ वॉशरूम बना हुआ था, बहुत शानदार बस थी। हमने क्या किया था कि 10-12% हमने लोग ज्यादा बुक कर लिए थे कि भाई इतने लोग तो कैंसिल करते ही है। आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 2 बंदे नहीं आए, एक ही फैमिली से, वो भी उनकी कार का कुछ एक्सीडेंट या फैमिली का कोई प्रॉब्लम आ गई थी और बाकी बस मैं नहीं बिठा सके, दो हमें कारें अलग से करनी पड़ी उनको साथ ले जाने के लिए। और एक जगह जाने के बाद जब लोग कोई बुक करके उतर गए तो फिर बाद में हमने उनको एडजस्ट किया। और सर इट वॉज सच ए सक्सेस, जो मेरे पास इन्वेंट्री थी जो मैंने बिल्डों से ली थी लगभग आधी इन्वेंट्री उसी दिन बिक गई। मेरे पास लगभग मेरे पास 45-50 थे, 20 से ऊपर उसी दिन बिक गए, साइन हो गए अलग अलग मेरे जो प्रोजेक्ट थे मेरे जो 6, और इतने जबरदस्त हमने इंसेंटिव लोगों को लेके दिए बैठे बैठे। जब वो साइन कर रहे थे, मान लीजिए मैंने उनको कहा कि आपको मैं $100 पर स्क्वायर फीट कम करा दूंगा, बैठे बैठे 100 का 200 किया, बैठे बैठे $25 और कम कर दिया, वो साइन कर रहे हैं और ऊपर से डिस्काउंट देते जा रहे हैं। तो इतना जबरदस्त डिस्काउंट कभी अनहर्ड ऑफ था ये जो लेके दिया हमने, 1.5-2 लाख। एक आध प्रोजेक्ट में तो हम ये डिस्काउंट 3 लाख तक पहुंच गए, मतलब बिल्डरों की कॉस्ट तक पहुंच गए क्योंकि हमने उनका कोटा पूरा करना था। ये बड़ा जबरदस्त हुआ। प्लस मैं बधाई देता हूँ हमारे उन सब बायर्स को जिन्होंने सबने विन किया, सारे बायर जिन्होंने खरीदा उनको जो 5 डेज ऑल इंक्लूसिव फॉर 2 मेक्सिको का ट्रिप जो मिला है उन सबको। तो हमारे जी 2-3 तो हमारे ऐसे बायर हैं जिन्होंने 2-2 बुक किए, अब उनके 4 लोगों का ट्रिप हो गया। अच्छा, वेरी गुड। और वो कहते हैं बच्चे भी साथ लेके जाएंगे। और हमारे जो 4 जो इनाम निकले थे उस दिन उनको भी हम बधाई देते हैं, उनका मैं नाम भी अभी डिक्लेयर कर देता हूँ, जो 4 हमारे विनर थे उनका उनको मैसेज चला गया होगा, $500 प्री पेड कार्ड वीजा का जो उनको इनाम मिला। एक हमारी थी बच्ची रिचा, वो आई हुई थी, और एक हमारे मिस्टर भविन थे, और एक हमारे थे दीपक राजपूत, और एक थे एक लेडी थी नवीन। और ये 4 लोगों को जो का ड्रॉ निकला तो आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा कि आपको ये कार्ड प्री पेड $500 का वीजा कार्ड आपको पहुंचा दिया जाएगा। जी रणबीर जी, जी क्या बात है जी। और साथ साथ अभी उनका एक छोटा सा मैसेज और आया, कहता थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल रिप्लाई, बट कहता कि यकीन तो है जो आप कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन सरकारों का भरोसा कोई नहीं, कब ये क्या कर दे। हाँ, वो तो देखो बात तो अलग ही है, वेयर देयर इज रिस्क देयर इज प्रॉफिट, एक पुरानी कहावत है वेयर देयर इज रिस्क देयर इज प्रॉफिट। अगर हम डरते रहेंगे तो फिर वो तो भरोसा नहीं, फिर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, फिर तो आप कभी कर ही नहीं सकते, फिर तो वो आधी वाली होगी ना, करना है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मान लीजिए अगर आपको एक कहते हैं ना एक थपकी देने वाला अगर आपको नहीं मिला तो आप मुझे मिल लीजिए, मैं आपको सारी सिचुएशन समझा के बता दूंगा, लेने लायक होंगे ले लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मत दीजिएगा, सारा समझा देंगे। यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग से पहली बात निकल गई थी कि जो हमारे मुस्लिम बहन भाई जो नहीं जा सके हमारे साथ बिकॉज ऑफ रमादान, उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरी इन्वेंट्री जो बचेगी उस बेसिस के ऊपर मैं उनको अप्रैल में लेके जाऊंगा ईद के बाद, तो मैं दोबारा कॉन्टेक्ट करूंगा, पहले मैं निकालू मेरा कितना इन्वेंट्री मेरे पास बची हुई है सेम इंसेंटिव के ऊपर, और वो इंसेंटिव कुछ बिल्डर बैकआउट तो नहीं करेंगे, वो भी मैंने देखना है। तो फिर एक बस और जाएगी इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद, वैसे भी बनता है पर ये डिपेंड करेगा इन्वेंटरी कितनी मेरे पास बची हुई है हमने मुसलमान भाइयों के लिए, मुस्लिम भाई जो रमजान की वजह से नहीं जा सके थे। जी। और क्विकली एक सतिंदर जी का मैसेज आया, कहता जी आपने, मैं टिप्स काफी देर से आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, आपको शुक्रिया बहुत बहुत। उन्होंने कहा जी आपने एक बार कहा था कि जो इन्वेंटरी सॉरी जो आपके जो पैसे निकालते हो रिफाइनेंस कराते हो तो 75% से ज्यादा आपकी इक्विटी होनी चाहिए, तो कहता मेरे पास अभी सिर्फ 55% इक्विटी है, तो शुड आई टेक इट सम मनी एंड इन्वेस्ट राइट नाउ। नहीं नहीं नहीं, 75% से ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए। हाँ, 75% से ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए, इक्विटी आपकी 25% मिनिमम होनी चाहिए, पर आपका लोन शुड जस्टिफाई योर इनकम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो इनके अगर 55% इक्विटी है तो इज वेरी स्ट्रांग मेरे हिसाब से। लेकिन सर आप एक काम और करिए, अपनी जो मॉर्गेज है उसको आप इस वक्त
फाइव से डिवाइड कर दीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगा और सेफ चलिए, तो फाइव से डिवाइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो फाइव से डिवाइड करिए, देखिए वो आपकी इनकम से कम है कि ज्यादा। अगर आपकी इनकम जस्टिफिकेशन, या दूसरे शब्दों में अपनी इनकम को 4.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, इनकम मल्टीप्लाई बाय 4.75, अगर वो मॉर्गेज से ज्यादा बनती है तो इसका मतलब आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो कम बनती है तो आपको नहीं लेना चाहिए। वंडरफुल सर, आपने जवाब सुन लिया होगा। और पीके साहब, कोई प्रोजेक्ट आप बताना चाहेंगे कोई? जी थैंक यू रणबीर जी, मैं एक बात और बता दूं कि बड़ी जबरदस्त हमारे यहाँ ट्रेनिंग आजकल चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, वेब फॉर्म्स के ऊपर मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है। अभी फिर एक और ट्रेनिंग आने वाली है जिसको हम लंच एंड लर्न कहते हैं, तो ट्रेनिंग के साथ साथ बाद में इकट्ठे सब मिलकर खाना खुना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। और ये जो है, आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी, टेक्स्ट मैसेज डालिए अपने नाम के साथ, अगर नाम नहीं आता तो मैं कॉल बैक नहीं करता, ये हमारा सिस्टम है, प्लीज नाम लिखना मत भूला करिए और आपको कॉल बैक आएगी। वी आर हायरिंग एजेंट्स, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं या डायरेक्ट आप बिल्डरों से मुलाकात, बिल्डरों को लाना, जो मेरे साथ बस में गए थे वो वाउच करेंगे इस बात से, जिस ढंग से बिल्डर मुझे मिल रहे थे, जिस ढंग से मेरी बात को रख रहे थे और जिस हिसाब से, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक बिल्डिंग में नाम नहीं ले सकता, उसमें मैंने गलती से कह दिया था बस के अंदर कि ये 72,500 की आपको पार्किंग मिलेगी, गलती से कह दिया था, क्योंकि पिछले साल 72,500 थी। फट मेरे असिस्टेंट ने खड़ा होकर बोला बस के अंदर, नहीं सर वो 85,000 की पार्किंग है। अब मैं 72,500 कह देगा, मैंने कहा जी मेरी मुझसे बात निकल गई, निकल गई, बिल्डर देगा 72,500 का, नहीं देगा तो मैं अपने कमीशन से दे दूंगा, पर मैंने जो कह दिया कह दिया। अब जब मैं इनके साथ गया तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट वॉज देयर और मैंने उनको बोला कि भाई मैं गलती कर गया बस के अंदर और मैंने ये बोल दिया, तो कहता फिर व्हाट यू वांट, मैं कहा वो पेनल्टी भी देना चाहता हूँ साथ में, कहता क्या, मैं कहा 65,000 की पार्किंग दो, 72,500 नहीं, अब 65 की दो, क्या बात। वो कहता है आज दे दी, वेरी nice। जो लोग साइन कर रहे थे, मैंने कहा जी आप $12,500 से खुश मत होइए, आपको $20,000 मिल रहे हैं, 85 की आपको पार्किंग 65 में मिल रही है। इस तरीके से जो रिलेशन है मेरे, उसका बेनिफिट उठाइए, दे रिस्पेक्ट, दे रिगार्ड माई रिलेशन। वॉल्यूम सेल होती है ना रणबीर जी बहुत ज्यादा, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है जी। बिल्कुल जी, और पीके साहब का नंबर है 6472994757। पीके साहब बड़ा मजा आता है, थैंक यू, इंतजार हमें भी होती है और वक्त का पता चलता ही नहीं कैसे गुजर जाता है, चलता ही नहीं है सर, चलता ही नहीं है वक्त का पता। और बस अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं सर, बड़ा अच्छा लगा बात करके। और अब जाते जाते बस बताना चाहता हूँ कि रेट कट 70% चांस हो चुका है, 5 जून को रेट कट शायद शुरू हो जाए अगर बाकी हालात सारे ठीक रहे तो, क्योंकि उससे पहले एक बार अभी इन्फ्लेशन की भी तो रिपोर्ट आनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा जी। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट, और अगले बुधवार ठीक 1:30 बजे फिर मुलाकात होगी, टेक केयर सर। थैंक यू जी सर।